to the Kapil Sharma Show, co-powered by Ching Chinese. Hey! Hey, Khajur, what are you doing? I'm looking for food. My daddy has kept it. Hey, what are you doing with your daddy? In the hedge, I got a broken kettle without a kundi wale chappal jo mumbai mili thi. Yahan pe kya dhoond raha hai? Arey bhaiya, wo to hum log aaj gareeb ho gaye. Lekin mere papa batate hain ki hum itne ameer the ki hamare heere bhi sone ke hua karte the. Beta, jab tere papa aisi baatein karte hain na, to mere ko bula liya kar. Mere ko dekhna kabaad jaise muh se sone chandi ki baatein nikalti kaise hain. Tujhe pakka yakeen hai unhone yahan pe khazana gaada hai? Arey unhe gaadne ka bahut shauk hai. एक बार आलू गाड़ा था तो 3-4 आलू निकला फिर कहते बेटा तुझे एक हफ्ते में डबल कर दूं एक मिनट ये देखो अरे ले भैया जिन्नी निकलेगा इसमें ये क्या अब जिन्नी तेरे बाप ने चाय ना डाली हो चेक कर जरा एक मिनट इसे ट्राई करता हूँ अलादीन का चराग सीखता हूँ बैठ जाओ लड़कियों बैठ जाओ शूट के बाद आपको पैक करके दे देंगे बैठो अरे तू तो कर रहे हो जिन निकले गए तो ऋतिक रोशन निकले हेलो जिनी हाउ आर यू आई एम खजूर सी हाय मैं आपका आका हूँ आपको मेरी हर विश पूरी करनी होगी करते हैं भैया तो मुझे अपने जैसे हैंडसम और स्मार्ट बना दो बेटा एक बात बताऊं ऐसे हैंडसम ना चिराग वाले जिनसे नहीं बनते जिनके पापा हैंडसम होते हैं ना उनके बच्चे होते हैं। कोई बात नहीं आप मेरी दूसरी विश पूरी कर दो। हाँ चलो। मुझे ऋतिक रोशन जैसा डांस सिखा दो। आप मुझे खजूर वाला डांस सिखा दो तो मैं आपको ऋतिक रोशन वाला डांस सिखा दूँगा। तो खजूर का तो एक ही स्टेप है भाई। क्या स्टेप बताओ बताओ। खलास। मेरे गांव में भी ऐसी स्टेप है। तू कौन से गांव गांव से तक? मैं आपका गांव वाला। मोहनजोदारो? हाँ। हाँ मैं भी। नमस्ते क्या बातें? हाँ चल करें स्टेप। हाँ। हाँ बोल। One, two, three. Stand like this. Yeah, he stand like this. I'm standing like this. And now let's go for it. Yes. One, two, three. Start. Yeah. Difficult day, yaar. Hey, bahut difficult day. Music, music. Aayo, chalo, sir. Kya baat hai? Ye hamara step tha. Can I teach you one more step? Yes. Open your tongue. Take your mouth like this, so that you don't look back at the back. Do it. Come on, son. Take your mouth like this. Yes, you're making it like this, son. Sir, I don't believe that he's a big man. You're a big man. Sir, you're a big man. You're a big man. Riya, ask me a question. What? Ask your mouth straight. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिर से मुर्गा बन गया? बेटा तेरे पिताजी ने जो हरकतें की है ना तेरा मुर्गा ही बनना बनता है चल भाग यहाँ से बातें करने दे मुझे तो ये ना भरकते क्यों है यार तो मुर्गा बनाने एक बार ऋतिक रोशन के लिए जोरदार तालियां विश्व में गूंजता है डंका जिसकी पहचान का जिसका अभिनय हकदार है किसी तख्तो ताज जैसी शान का वाह जोश का समंदर और तूफान है अदाकारी का फिदा है आप पर बच्चा बच्चा हिंदुस्तान ऋतिक रोशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं बल्कि वर्ल्ड में जितने खूबसूरत चेहरे हैं उनमें से एक इनको गिना जाता है बड़ी अच्छी बात है आपको पता है भाई इतने चार्मिंग है ना कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए इनको स्माइल देने की जरूरत नहीं है हाँ ये सीरियस होकर भी लड़की को देख ले लड़की वैसे सीरियस हो जाती है तो ऋतिक भाई बात बताओ आप आपके पास ये जो एक्स्ट्रा हैंडसमनेस है आपको नहीं लगता आपको हम जैसे थोड़ी गरीबों में बांट देनी चाहिए सर आपके पास जो है अगर वो मेरे पास होता तो गुड लुक्स की कोई जरूरत नहीं होती सही सही बोला कि नहीं घुमा के मार दिया मेरे पे
कैसा कॉम्प्लीमेंट दिया यार, यू शुड बी थैंकफुल. आई एम थैंकफुल वेरी मच. इतना हुस्न कहाँ लेके जाओगे ऋतिक? वहाँ. ये तो बिल्कुल वहाँ सोफा क्लीन करवाया कि नहीं? आज मैंने कहा था ऋतिक रोशन आने वाले हैं, अच्छे से इनर वो जो सक्शन होती जो क्या व्हाटएवर. अच्छा ऋतिक भाई की फिल्म आ रही है मोहनजोदड़ो, जो कहानी है 5000 साल पुरानी. तो ऋतिक भाई, जब आपको आशु सर ने ये फिल्म ऑफर की कि आपको बताया कि ये 5000 साल पुरानी स्टोरी है, तो आपने तुरंत हाँ कर दी थी कि आपने भी एक आध साल सोचा था पहले? कुछ ऐसा ही हुआ था. अच्छा. क्योंकि उनकी जो पहली जो स्क्रिप्ट थी जी, वो कुछ 300 पेज की स्क्रिप्ट थी. अच्छा. तो मैंने लगाया 300 दिन. अच्छा. उसके बाद अपने आप उन्होंने समझ गए थे, तो उन्होंने मुझे एक 80 पेज की स्क्रिप्ट भेजी. ओके. और मैंने फटाफट पढ़ के आई कॉल्ड देम बैक, आई सेड माइंड ब्लोइंग, लेट्स डू इट. पर क्या माइंड ब्लोइंग फिल्म लग रही है सर आपकी. आप ट्रेलर देखो पाजी, उसमें मगरमच्छ छिन पे अटैक करता है. और आगे हमने ये भी सुना कि फिल्म में ये शेर के साथ भी लड़ाई करते हैं. जोधा अकबर में इन्होंने एक हाथी के साथ लड़ाई की. भाई एक बात बताओ, विलेन क्या खत्म हो गए आप? अभी हाथी शेरों से लड़ रहे हो आप. Variety in life is important. नहीं, variety तो ठीक है भाई, जैसे मैंने इन्होंने शेर के साथ फाइट की ना, तो शेर को थोड़ी ना पता ये ऋतिक रोशन है. आपने तो शेर के साथ ट्रेनिंग ली है, शेर ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली. उसने कोई गड़बड़ कर दी तो रीटेक का भी मौका नहीं मिलेगा. और आप ऐसे मत किया करो भाई, आप इतने हैंडसम हो. शेर का क्या पता भाई, शेर ही इज अ वेरी पागल सा होता है वो. अच्छा आपको पता है आपकी बिल्डिंग के इस तरफ अक्षय पाजी का घर है. मैंने वो नीचे है, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर है. ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और ऋतिक सर का घर इस तरफ है. कभी ऐसा हुआ आपने ऐसे कच्चा सूखने डाला उड़ के उनके चला गया? ऐसे होता है वैसे? सर वो क्या है कि मेरे घर पे ना आपका तो है भी सी फेसिंग, हवा बड़ी आती है. फॉर्चुनेटली मेरे घर पे एक मशीन है, उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन. तो उससे ये जो मूवमेंट है ना जी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती. अपने आप ही धुल के वापस अंदर डालो. बड़े लोग हैं, क्या पता इनके पास ऐसी मशीन भी हो जो पहना भी देती हो. घूम फिर के कच्चे पे ही पहुंच जाता था. बहुत से ऐसे लोग जो कच्चा पहनते नहीं, इंटरनेशनल रहते हैं. आपको कैसे पता? मुझे पता है, हो सकता मैं भी हूं. Why not? Liberation. अच्छा ऋतिक भाई, बहुत चूज करते हैं फिल्में जब करते हैं बड़ी. बहुत चूज नहीं करता हूँ. हाँ मतलब कुछ चूज करता हूँ. पर आप साल में एक हाथ फिल्म से ज्यादा करते नहीं, मैंने देखा है. नहीं नहीं, हाफ अ फिल्म. मतलब दो साल में एक. मेरी एवरेज हैज कम डाउन टू हाफ अ फिल्म. आई हैव टू बिल्ड ऑन दैट नाउ. पर जैसे आई एम ऑन इट. पर जैसे ऋतिक भाई, आई एम वेरी अवेयर. नहीं पर अच्छी बात है, अच्छी अच्छी फिल्में करो और मजेदार करो, टाइम ले करो. अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल डायरेक्टर के साथ आप शूट करते हैं, 80-90 दिन का शूट होता है. अगर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं डायरेक्टर्स? हाँ होते हैं. 80-90 दिन में क्या बात कर रहे हैं यार, किधर है तेरे को भी एक. क्योंकि अच्छा ऋतिक भाई, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक अभी आशुतोष सर के साथ दो फिल्में की हैं. जोधा अकबर भी काफ़ी बड़े लेवल की पिक्चर थी, बहुत बड़ा ग्रेंजर था, उसको शूट करने में भी काफ़ी समय लगा. मोहनजोदड़ो जो है वो उससे भी बड़ी फिल्म है. सो आपको इसलिए लगता नहीं कि डायरेक्टर लेकिन होते हैं? नहीं मैं, मैंने तो 42 दिन में कर ली थी अपनी. बिलीफ है, बिलीफ. मैं ढूंढूंगा. आप यकीन नहीं करोगे ऋतिक भाई, मेरी फिल्म 42 दिन में कंप्लीट हुई, वो भी अब्बास मस्तान वाइट कपड़े, सेम शर्ट पैंट बदली भी नहीं, उन्हीं कपड़ों में पूरी फिल्म शूट कर गए. हो सकता बदलते भी हो, मुझे पता नहीं चलता. पर वैसे ऋतिक भाई, जैसे अब आप जब फिल्म करते हो तब तो आप बिजी हो, जैसे हम आम लोग हैं, जैसे ये पांडे है, फ्री टाइम में अपनी बनियान के छेदों को रफू करवा लाया या हमने अपना साइकिल स्कूटर धो लिया. जब आप फ्री रहते हो आप क्या करते हो? आपके फैंस जानना चाहते हैं. जब मैं फ्री रहता हूँ तो कपिल शर्मा के शो पे आता हूँ, मस्ती करता हूँ, मजा करता हूँ. इससे बेटर फ्री टाइम इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं. क्या बात है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट वी आर गेटिंग. अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल बच्चे शरारते करते हैं, किसी की बेल बजा के भाग गए, माचिस जलाई, पर्दे में आग लगा दी, ऐसे जो सुपरस्टार होते हैं वो भी बचपन में ऐसी शरारते करते हैं. मैं पॉइंट पे आता हूँ, कभी राकेश सर ने आपको पीटा है बचपन में कोई शरारत की हो तो? ये सीरियस बात ना करें आप. बहुत पीटा है मेरे बहुत पीटा है मुझे.
आखिर किस किस वजह से आपको मार पड़ती थी? क्या है ना कि मैं बच्चा था यार, तो यू नो इट्स अलाउड. एक दिन पता नहीं मुझ में कैसा भूत आ गया, तो मेरे टेरेस पे ना जी बहुत सारे एम्प्टी बॉटल्स थे. अच्छा. बड़े मतलब एम्प्टी थे, कांच के. आई यूज्ड टू लिव ऑन द 13th फ्लोर. बॉटल्स देखे मैंने, नीचे देखा, 13 फ्लोर्स डाउन. हाउ अ बॉटल विल फॉल आई वॉन्ट टू नो. तो मैंने एक बॉटल लिया. बहुत मजा आया, इतना मजा आया. मैं क्रेट क्रेट उठा के मैं यहाँ पे रखा. या डिस्कैम मैं लोगों को देख रहा हूँ, मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही है बात के यार, किसी को लग गई तो लग जाएंगे. लकीली नो वन गॉट हर्ट. देन माय फादर केम. उसके बाद नहीं बता सकता हूँ मैं. इन्होंने भी निशान लगाया है. अच्छा देख लो, बड़े लोग हैं ना तो ऐसी चीजों से, खाली बोतलों से निशाने लगा रहे हैं. हम जैसे होते तो कबाड़ी को बेचते जाके. एक बोतल का 1 रुपया मिलेगा, 12 बोतलें 12 रुपए. तो देवी और सजनों, आपको ये जान के खुशी होगी कि ऋतिक जी की सिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है. इनके लिए भी जोरदार तालियां. सुनैना जी, कैसी हैं आप? I'm fine, Kapil ji. How are you? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ और आपको देख के बड़ी खुशी हुई. मुझे अब बताइए, ये खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि सारे जो सीक्रेट्स हैं वो दीदी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, करेक्ट? इसीलिए हम आप पे कट टू पॉइंट आते थे. ये घुमा फिरा के इन्होंने तो एक छोटी सी बात बता दी हमें, मेन चीज आप बताएंगी अभी. ये क्या क्या करते थे बचपन में? He would hate anybody touching his hair. If by mistake you've touched his hair, you're finished. अच्छा. And that still goes on today. Even now if you try and touch his hair, you know, sisters and brothers. जी. This is why they have fights, because sisters always lie. That's not true. She can't lie. She has divine face. कभी बोल नहीं सकती. और बताइए आप, बोलिए आप. And yeah, he would not eat. He's got a lot of beatings from dad and mom. मैं खाता नहीं था. He was never into eating. मेरे father बड़े शौक से परांठे, भुर्जी में जैम में चीज, ये में वो सब डाल के फेट करके, मतलब रुको, come on. तो आपने खाया? Breakfast. तो काफी स्ट्रगल करके आप सुपरस्टार बने, ऐसे नहीं. और क्या, काफी मार खाई ऋतिक रोशन ने, क्या बात है. अभी मोहनजोदड़ो में जब आप मुझे देखते हो तो ये गुस्सा आप कहां से आ रहा है? वो गुस्सा बचपन की यादें. तो राकेश सर का गुस्सा आप कबीर बेदी सर पे निकाल रहे हो? आप सब निकाल. And Kapil ji, there's a friend of mine over here. He would just like to tell you a few things. ये भी इंग्लिश ही बोलते हैं आपकी जैसी? नहीं नहीं, भारतीय हूँ, भारत हिंदी में ही बात करेंगे. शुक्र है. ये ऐसा है कि मुझे कहना है आपसे कि आपने लोगों को हंसाया, एंटरटेन किया इतने सालों से. जी सर. मैं ये स्पेशली आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने बहुत लोगों को हील भी किया, उनमें से मैं एक हूँ. हाउ स्वीट, थैंक यू सर. मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे मेरी टांगों में. 2 साल मैं बहुत दर्द में रहा. किसी थेरेपिस्ट ने कहा कि हंसो हंसो, इतना हंसो कि जब दर्द हो तो हंसना. और किसी ने रेकमेंड किया कि कपिल का शो देखिए. मैंने देखा और मैं हंसा, बहुत हंसा. मैं इतना हंसा, हंस हंस के, जब मैं हंसता था मेरी टांगों की दर्द कम हो जाती थी और मुझ में जान आ जाती थी. तो मैं सबसे कहूंगा कि जो भी दर्द में है, तो दिलों का दर्द, फिजिकल एक्सीडेंट, पेन, प्लीज कपिल का शो देखिए. और आपका ये थेरेपिस्ट ही है, थैंक यू सर. एंटरटेन भी नहीं करते, ये सबको हील भी करते हैं. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सही बात, काइंड वर्ड सर, थैंक यू. सही बात थी ये, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस. अच्छा सर, आप जाते हैं डॉक्टर, आपको बोलते हैं हंसा करें. मेरे को बुखार हो, मैं डॉक्टर पास गया, मेरे से पैसे ले लिए उसने. हमारे साथ उल्टा ही होता है. अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन बचपन का सर. लास्ट? ओके, चलो. बचपन का लास्ट क्वेश्चन, ऐसे मतलब जैसे आप तो वैसे खाने के शौकीन नहीं थे, पर फिर भी पूछ लेता हूँ. जैसे घर में कोई मेहमान आता ना, तो हमारे लिए मेहमान मेहमान नहीं होता, हमारे लिए होता समोसा. हाँ. क्योंकि मेहमान आएगा तो समोसे भी आएंगे. और हमें मेहमान के आने की खुशी नहीं होती, हमें जाने की ज़्यादा होती है. जैसे मेहमान गया, मेहमान की एड़ी अभी ऐसे उस पे होती है, वो डोर के आधी अंदर ही होती है. हम जाके समोसा उठा लेते हैं, हम देखते भी नहीं चटनी कहाँ, चटनी ऐसे, चटनी यहाँ से होती हुई हमारे मुंह में जा रही होती. आपने कभी ऐसे किया ऋतिक भाई? हाँ किया है. ये जो एक्शन है ना आपका जी, वैसा एक्शन किया है मैंने.
ऐसे वाला हाँ समोसे के साथ कुछ गिर रहा है I've eaten food like that यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ लेकिन इतना मतलब कि मेहमान जा रहा है उसके जाने के पहले वो सब नहीं किया इतना भी नहीं रितिक भाई आप इतना एक्शन करते हो काफी सारी एक्शन फिल्में की हैं आपने इंजरीज तो होती होंगी है ना तो कभी आप हॉस्पिटल गए हो इंजेक्शन लगवाने के लिए आजकल तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्यों सब जान गया हूं मैं आई ब्रोकन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी सब सीख गया हूं मैं अभी अभी तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है नहीं पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां अपना हाथ नहीं पहुंचता इंजेक्शन इधर लगाना है तो वो तो नर्स ही लगाएगी ना तो कभी आप इंजेक्शन लगवाने गए और कभी ऐसा हुआ दो नर्सों के बीच में झगड़ा हो गया नो नो आई विल पुट द इंजेक्शन ऐसे हुआ भाई ऐसे कभी मेरे सामने तो नहीं हुआ नहीं होगा तो आपके पीछे आई नो बट पर वो आपने मेरे क्या हुआ ऑडियो सुना कभी आपको कि दो नर्सें लड़ रही हैं नहीं नहीं अच्छा नर्सें लगाती भी नहीं होंगी ना डर के मरी हाई रितिक लगना जाए कहीं इंजेक्शन यहाँ ले जाके ना इसकी सिरिंज यहाँ से निकाल के इधर ही निकाल देती होंगी दवाई ये तो दुआ से ही ठीक हो जाएंगे इतना प्यार करते हैं लोग जोरदार तालियां हो रितिक भाई के लिए अच्छा इनकी कोई फोटो कहीं से भी ले लो ना इनकी अच्छी आती है पता नहीं कैसे पता नहीं मतलब खूबसूरत इसीलिए आती है हमें ध्यान रखना पड़ता है मेरे को ना रितिक भाई मेरे को आता नहीं है ये फोटो शूट करवाना आपकी मैंने सारी पिक्चर देखी है हर फोटो कोई भी फोटो आपकी तो लाइसेंस पे भी अच्छी आती होगी आई एम श्योर हमारे दो चार फोटोग्राफर्स हैं यहाँ पे काफी सारे मीडिया से भी लोग बैठे हुए हैं एक कैन यू टीच मी सम पोज हाउ टू पोज व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग या ऑनेस्टली जी व्हाट इज गोइंग टू शो इज व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड आई एम फीलिंग हंग्री लाइक ऐसी आएगी फोटो अच्छा दैट इज व्हाई ओके यू आर नॉट हैप्पी विद योर फोटोग्राफ्स तो जैसे हैप्पी दिखाना तो कैसे तो क्या व्हाट यू वांट मतलब जब आप अपने फोटो को आप देखोगे तो हाँ. आपको अंदर की फीलिंग व्हाट यू वांट व्हाट यू वांट मैं चाहता हूं कि हैंडसम दिखूं हैंडसम दिखो आपके जैसा तो नहीं चलो फील हैंडसम बेबी कम ऑन फील हैंडसम पुट योर हैंड्स इन द पॉकेट दादा अब दादा मैं बुलाता हूं लाइव करके देता हूं दादा इसीलिए मैंने फोटोग्राफर भी ऐसे रखे जो ज्यादा हैंडसम नहीं है और दादा आपने फोटो खींचनी है हां जी जैसे ऋतिक सर पोज करेंगे वैसा ही मेरा आना चाहिए ठीक है कर रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ मैं पक्का करूंगा सर cool baby cool hey baby cool hey cool that's it I like it क्या क्या कैसे करूँ एक एक पोज कुछ नहीं करना है बस खड़े होना है अंदर में cool आ जा cool man show me what you have done what show me you racist अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं ये देखो इनकी फिर भी अच्छी आई है मेरी फिर अभी तो मैं कूल था अभी नहीं, क्या वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इस वक्त जो फीलिंग है जी वो एक खुशी की फीलिंग है जी तो वी शुड नॉट ऑल्टर एंड मैनिपुलेट खुश हैं हम खुशी खुशी एक फोटो देते हैं आ जाओ आप अच्छी फिल्म आ रही ना मेरे तो मेरे को किस चीज की खुशी मैं तो वैसे ही मैं तो शनिवार इतवार इधर ही पड़ा रहता हूँ ना लेकिन आपके साथ मैं हूं ना इस वक्त इस बात की तो खुशी है मुझे थोड़ी भी नहीं उसके बाद लेट्स गो ब्रो आई एम वेरी हैप्पी ऑलराइट ये देखना फोटो आउट ऑफ द स्टेडियम अगर अभी ना दास दादा आपकी आई तो इसका मतलब आपका कैमरा खराब है वेरी नाइस इट्स वेरी नाइस पिक्चर ब्रो माइंड ब्लोइंग है सुपर्ब थैंक यू दास दादा खुश रहिए शुक्रिया आप इंप्रेस नहीं हुए हमारा सेट देखे देखिए आप वी स्पेंट अ लॉट वी स्पेंट अ मोर देन 2000 व्हाट ऑन दिस सेट ये घड़े मैंने सिद्धू भाई ने रात जाग जाग के बनाए अच्छा बहुत अच्छा भाई इंप्रेस करते हैं बैठी ऋतिक भाई पिछली बार ऋतिक भाई हमारे शो में आए थे ना पूरे शो में बैठे नहीं हो ऐसे एनर्जेटिक है नहीं भाई हमने सोफा बनाया इसकी तो लाज रखो थोड़ी No, you're forcing me, you know. So I'll okay. It's just my love for you, bro. Okay, bro. So, मैं एक सवाल मेरी तरफ से है. Yeah! Yeah!
here, I land up. What a busy day and I land up here. Oh, Hrithik Roshan. I am Dr. Monsieur Gulati, TKLB. TKLD क्या मतलब होता है? TKLD क्या मतलब क्या होता है? TKLD पहले तुम्हें क्या लेना देना इसका मतलब ये होता है TKLD. मुझे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव है. इन्हें बहुत लगाव रहती है भाई, ये तो मैं गारंटी देता हूँ. ये मतलब आज भी आदि मानव की तरह रहते हैं. यकीन नहीं करेंगे आप, ये छिलके समेत केला खाते हैं आज भी. उसका रीजन है कपिल शर्मा, जैसे नहीं खा लेते हम लोग. मैं किसी को बिना ऐसे सरेआम नंगा नहीं कर सकता. मैं चिकन भी खाता हूँ तो फर समेत खाता हूँ. मरीज का ऑपरेशन भी करता हूँ तो कपड़े डाल के करता हूँ उसके. बिकॉज मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ. ऋतिक, आपको बातों से पता चल गया होगा ये नकली डॉक्टर है. नकली नहीं, असली डॉक्टर है भाई. मैंने जो डॉक्टरी है ना अपने बाप के पेट से सीखी है. बाप के पेट से? बाप के, माँ के पेट से थी. बाप के पेट से कौन सीख गया था? पत्री तो मेरे बाप के पेट में थी ना. ऑपरेशन मैंने अपने बाप का किया. बट एनीवे, लीव द टॉपिक. हाँ तो रोशन साहब के बेटे हैं आप, और मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ. मैं भी. कि आपने एक ऐसे आदमी का नाम रोशन कर दिया जो पहले से इतने रोशन. I'm so proud of you. Thank you, yes, I'm, thank you. I'm so proud, those are proud, things are very proud, man. And, but मैंने एक चीज़ देखा, जब आप डांस करते हैं ना, मेरे को कभी कभी as a doctor लगता है कि आपके हड्डियाँ हैं कि नहीं है, रबड़ तो नहीं है. Because you bend it like Beckham. ऐसे करके. यहाँ पे मुझे पूरा टेस्ट करना पड़ेगा. तो कहाँ जाना है आपको? यही रुकिए आप, मैं आता हूँ. मैं आपका ये टेस्ट कर देता हूँ. ये कैसा टेस्ट है? ये रोशन हो गया. आप बहुत नाम रोशन करेंगे, सबका मानना पड़ेगा भाई. एंड प्लीज कम हियर, जस्ट चेक दिस, प्लीज चेक दिस. इसको हाथ लगाइए. ये भी रोशन हो गया. वेरी नाइस, सुपर सुपर, वेरी गुड. इसको जरा हाथ लगाइए, थोड़ा खींचिए इसको. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. बस 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 बस. ये भी हो गया जी. वेरी नाइस. आइए एक मिनट, इधर आइए. ये तो पता ही नहीं था यार, ऐसा पावर है मेरे में. ये जरा इसके अंदर हाथ डालिए आप. क्या है ना, जब हमारे यहाँ रोशनी चली जाएगी तो काम आएगा थोड़ा सा. अरे वाह, इसके अंदर रोशनी आ गई. मैंने रोशनी का इजाद कर दिया. सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज आशु सर, सबसे पहले तो मैं आपको फिल्म मोहनजोदड़ो के लिए एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ. बिकॉज जितना ब्यूटीफुल ट्रेलर लग रहा है कि वो आपकी फिल्म है. ऐसी आलीशान फिल्में आप ही बना सकते हैं. अच्छा आशु सर ने काफ़ी सारी हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं, जैसे लगान, जोधा अकबर, अभी मोहनजोदड़ो. सर आपका हिस्ट्री में तो काफ़ी इंटरेस्ट रहा होगा, जाहिर सी बात है. तो सर स्कूल टाइम में भी हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली बिल्कुल उल्टा था. अच्छा, मुझे लगता है अब मैं कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ. जो मेरा इंटरेस्ट नहीं था वो अब फिल्म के जरिए बाहर आ रहा है. तो मतलब हिस्ट्री में आप काफी कमजोर थे? बहुत, एक भी तारीख याद नहीं रहती थी. तो अभी उसका गुस्सा निकाल रहे हैं आप. अच्छा, जब आशु सर ने आपको फिल्म ऑफर की तो जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी होगी. तो जब आपको ये पता चला कि ऋतिक रोशन आपके ऑपोजिट है, और भी आप खुशी से नाची होंगी. लेकिन इसके सबके बावजूद जब आपको पता चला कि आप प्रमोशन के लिए हमारे शो पे आ रही, तब आपका रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मोहनजोदड़ो मिला है. तो खुशी खुशी मैं अपने मासी के घर गई. अच्छा. और उनको बोला कि यू नो आई एम डूइंग दिस फिल्म विद ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारिकर. और मेरे जो कज़न सिस्टर्स हैं उनका रिएक्शन था, वो मुझे अक्का बुलाते हैं. हमारी लैंग्वेज में एल्डर सिस्टर को अक्का बोलते हैं. तो एक्साइटेडली आई टोल्ड देम, और उनका रिएक्शन था, अक्का You're gonna be on Kapil's show. Oh my God! Hey. जब आशु सर ने आपको फिल्म ऑफर की तो जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी होगी. तो जब आपको ये पता चला कि ऋतिक रोशन आपके ऑपोजिट है, और भी आप खुशी से नाची होंगी.
लेकिन इसके सब के बावजूद जब आपको पता चला कि आप प्रमोशन के लिए हमारे शो पे आ रही, तब आपका रिएक्शन क्या था? तो क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मुझे मोहनजोदारो मिला है, तो खुशी खुशी मैं अपने मासी के घर गई. अच्छा. और उनको बोला कि यू नो आई एम डूइंग दिस फिल्म विद ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारिकर. और मेरे जो कजिन सिस्टर्स हैं उनका रिएक्शन था, वो मुझे अक्का बुलाते हैं, हमारी लैंग्वेज में एल्डर सिस्टर को अक्का बोलते हैं. तो एक्साइटेडली आई टोल्ड देम और उनका रिएक्शन था, अक्का यू गोना बी ऑन कपिल शो. ओ माय गॉड. और जब मैंने उनको बोला कि यू नो ओके वी आर गोइंग ऑन कपिल शो, तो बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया मुझे और बोला कि अक्का इफ आई कांट कम विथ यू टू कपिल शो देन देर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ सिस्टर हु इज पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो आज आए हैं अक्का. पुणे से भी दो लोग आए हैं. पुणे से भी आए हैं? कहाँ कहाँ हैं? सिर्फ आपसे मिलने के लिए. हाउ स्वीट. मुझे मिले क्यों नहीं, फिर इधर आके क्यों बैठ गए? But thanks, huh? Thanks for your lovely reaction on knowing that she's doing a film with me. Yeah. Thanks, huh? Thanks. Sir, जहाँ तक हमने सुना है, जब आपने लगान शूट की थी, वो भी शायद भुज में उसी जगह के आसपास की थी. जी जी, वहीं पे. तो ये मोहनजोदारो का सेट भी वहीं पे लगाया गया. तो सर ये आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है कि वो जमीन आपने खरीदी हुई है? तो लैंड कहीं आपने खरीदी थी नहीं हुई सर? अब मैं ये करने वाला हूँ. मैं एक लैंड वहां पे लेके रखूंगा और वहीं पे मेरे सेट लगेंगे. इट्स अ जॉय टू बी शूटिंग इन कच्छ. अच्छा, जो आदमी कहीं दूर भुज में रहता होगा वो इनको देखता होगा कि अरे एक आदमी आते हैं मुंबई से, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं. 25 एकड़ में बनाया अभी फिर तोड़ दिया. सर हैट्स ऑफ टू यू. हैट्स ऑफ. भाजी जब भी मिस इंडिया का कॉम्पिटिशन होता है या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, तो उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप जीत गई तो क्या करेंगी. मैंने मोस्टली ये देखा है लड़कियां ये बोलती कि मैं देश के लिए ये करना चाहती हूँ, देश के लिए ये करना चाहती हूँ. तो हमें उस समय लगता है कि लड़कियां पॉलिटिक्स में आएंगी ये वो, लेकिन सडनली यू टर्न मारती फिल्मों में आ जाती हैं. आपको पता है आपके इस डिसीजन की वजह से जब आप पॉलिटिक्स में नहीं जाती आप फिल्मों में आ जाती हैं. कई पॉलिटिशियन इस्तीफे दे रहे हैं आजकल. सॉरी. नो प्रॉब्लम. आशु सर ने ना फिल्म बनाई लगान, जो आज से शायद 100 या 125 साल पहले की स्टोरी एक बनाई. उसके बाद बनाई जोधा अकबर, जो 500 साल पहले की स्टोरी थी. अब बनाई मोहनजोदारो, जो 5000 साल पहले की फिल्म है. मतलब इतिहास में आप पीछे पीछे जाते जा रहे हैं. मुझे लगता है एक दिन ऐसे करते करते भगवान को ढूंढ लेंगे. तो सर जब आप ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप 100 से 150 साल, फिर 500 साल, फिर 5000 साल, जब आप इतना पीछे जा रहे थे, आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप इतना आगे आ जाएंगे कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं, बट सच ये है कि जब आपका डेब्यू एपिसोड हुआ ऑन टेलीविजन, जी, तब मैंने सोचा था कि एक दिन इस शो पे जाना पड़ेगा. हाउ स्वीट. सोनी चैनल, वेरी बिग डायरेक्टर इज प्रेजिंग मी. कैन यू प्लीज इंक्रीज माई पेमेंट? आशु सर के ब्रदर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी गोवारिकर. मैंने जिंदगी में पहला फोटोशूट इनसे, मतलब इन्होंने, मेरा सौभाग्य कि इन्होंने मेरा फोटोशूट किया. वो फोटोशूट मैं भूलूंगा नहीं. नॉर्मली जब हीरोज के साथ हम फोटोशूट रोमांटिक करते हैं, एक हीरोइन के साथ रेफरेंसिंग करनी पड़ती है, पोजिंग कैसे करे क्या करे. आपने तो चार चार को ऐसे पकड़ के रखा था. सर भरा पड़ा था ना बचपन से, कभी हीरोइन मिली नहीं. तो फिल्म पूरी चार आ गई. पूजा का पहला शूट मैंने ही किया था 6 साल पहले. देख लो आपने जिन जिन का फोटोशूट किया आज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. शुक्रिया. हिस्ट्री की बात चल रही है तो क्यों ना हमारे साथियों से, दोस्तों से पूछा जाए कि हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है आपको. अच्छा आप क्या बात है सर जी, आप पहले ये बताइए सर, हिस्ट्री के प्रोफेसर तो नहीं आप? प्रोफेसर हैं? नहीं सर, प्रोफेसर बिल्कुल नहीं हूँ, मगर हिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ. और अच्छा? हिस्ट्री में मेरे को 100 out of 100 मार्क्स आते थे. अरे क्या बात है. अरे बाप रे बाप. तो सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ हिस्ट्री से. हाँ सर. बाबर भारत आया था जब? हाँ सर. कितने बजे थे तब?
नहीं मैं 12 बजकर एक मिनट अच्छा इनको भी पता कि मुझे कौन सा पता है क्यों बोल रहे और गया कितने बजे था कोई आईडिया पर एक्चुअली ना सर मुझे कभी कभी समझ नहीं आती जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है मैंने भी पर ऐसे मुश्किल सवाल बच्चों से क्यों पूछते हैं अब तो चलो मतलब समझ में आता है हमें तब पूछते थे कि बाबर भारत कब आया था मैंने कहा हम तो खा पी के 7 बजे सो जाते हैं हमें ये नहीं पता हमारे डैडी कब आए थे घर पे तो हमें क्या पता सर बाबर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ योर्स मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने आपकी पहली पिक्चर नॉवेल्टी थिएटर में देखी थी ऑल द वे आई वेंट फ्रॉम अंधेरी टू नॉवेल्टी इन ग्रांड रोड तो अभी आपको किराया चाहिए नॉवेल्टी नहीं मैंने मुझे सिर्फ थैंक यू सो मच जब मैंने वो पिक्चर देखी तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे शादी करनी है तो ऋतिक रोशन से करनी है और यू आर माई ड्रीम मैन और मैं अब तक सिंगल हूँ आपके इंतजार में तो मुझे एक्चुअली वैसे सिंगल तो मैं भी हूँ तो हाँ तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे को चांसेस हो तो प्लीज बता दो मैं कतार में हूँ ऑलवेज देयर इन लाइफ आप अगर हिस्ट्री का सवाल एक बता दें हाँ जी तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हाँ जी भाई बोलिए ये बताइए शाहजहां का जो बेडरूम था हाँ उसका बाथरूम उससे कितनी दूर था मैं इतना बता सकती हूँ कि वो मुमताज जी के बहुत बहुत करीब था मुमताज महल मुमताज महल तो आपका कहने का मतलब है कि मुमताज जो थी वो जेंट्स वॉशरूम में जाती थी तभी तभी लेडीज जेंट्स नहीं होता था और वो लोग हस्बैंड वाइफ दे शेयर्ड अ कॉमन लेडीज जेंट्स होते ही थे तभी तो हस्बैंड वाइफ होते थे ना हाँ लेकिन बाथरूम कॉमन होता था ना सर बाथरूम कोई शेयर थोड़ी करता है आप तो ऐसे बोले जैसे आप शाहजहां के घर छुट्टियां काट के आए और मेरे कोई दोस्त आशुतोष गोवारिकर की भी बहुत बड़ी बड़ी फैन हूँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने लगान भी जब वो मेरे लोकल थिएटर से उतर गई थी मैंने अंधेरी ईस्ट में जाके वो पिक्चर देखी थी तो मैंने आपकी कोई पिक्चर नहीं छोड़ी है कोई भी सिनेमा आपके घर के पास नहीं है सारे दूर दूर है ना शुक्रिया मैम थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और कोई मेरे दोस्त जी मैम मेरा क्वेश्चन आपके लिए ऋतिक मैंने सुना है आपने रणवीर सिंह को चैलेंज किया था डांस ऑन रोड राइट हाँ हाँ या बैंग बैंग डेयर राइट 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 सो आज मैं आपको डेयर देना चाहती हूँ टू डांस ऑन फ्लोर विथ मी प्लीज ऑन रणवीर सिंह सॉन्ग दैट इज नॉट अ डेयर दैट इज प्लेजर कम ऑन आशु सर यहाँ पे सारे इन्हीं के फैन है चलो हम चाय पी के आते हैं प्लेजर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच नाम नहीं बताया आपने अपना हिमांगी हिमांगी हाँ आते रहा करो जी और कोई मेरे दोस्त जी मैम सत श्री अकाल सर जी सत श्री अकाल जय माता दी कपिल देव जी जय कपिल कपिल शर्मा जी आई एम सो सॉरी कहीं उनको ना बोल देना आशीष नेहरा जी नहीं 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 आज इतनी खुशी में ये पता लग गया कि कपिल देव को चाहती है वो नहीं, नहीं, नहीं। आपने गलत कुछ नहीं किया कपिल पाजी जब वर्ल्ड कप जीत के लाए थे ना तो मेरे पापा क्रिकेट के बड़े फैन थे मेरा नाम उन्होंने सही उन्हीं को देख के रखा था नहीं मैं हम सब तो आपके इतने बड़े फैन है कि आप ही के जरिए हम सब इतने बड़ी डिग्निटीज को पर्सनालिटीज को स्टार्स को मिलने का मौका मिलता है थैंक यू मैम पूजा मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है हम बचपन से अभी तक बड़े हुए हैं राजे महाराजों की पिक्चर देखते आ रहे हैं पूरी पिक्चर कभी भी देखते तो बहुत बड़े बड़े कुंड दिखते हैं हमको वहाँ पर जिसमें महारानियाँ अपनी सखियों के साथ नहाने के लिए जाती हैं पर हमेशा मैं ये सोचती हूँ देखती आ रही हूँ कि क्यों सब एक साथ एक साथ जाती हैं क्या उनको नहाने में अकेले डर लगता है या उस समय भी पानी की समस्या की कटौती होती थी कि नहीं मिलता था पानी इसलिए सब इकट्ठे चली जाती थी क्योंकि हम मुंबई में रह के तो ये समस्या बहुत फेस कर रहे हैं बट हम कभी सोच नहीं सकते कि इकट्ठे जाके सब नहाए आपको कैसा लगा सबके साथ नहा के कैसा लगा एक्चुअली मैंने कभी इतनी डेप्थ में हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है तो आई थिंक आशु सर यू शुड आंसर दिस दैट व्हाई डिड दे ऑल गो बैक टुगेदर में तो आशुतोष आशु सर के साथ जाते रहे उनको क्या पता तो मैम ये क्वेश्चन मेरा को मेरे दिमाग में आता है हम भी काफी सारे लड़के बैठे हो ना तो उनको बोलता अरे तू कहाँ गया था अरे यार मैं बाथरूम गया था लड़की हमेशा फ्रेंड को लेके जाती इसमें चलिए
दो लड़कियां हमेशा मैं मतलब सॉरी बट हाँ ऐसे होता है इट्स अ फैक्ट थैंक यू सर थैंक यू ऑल ऑफ यू ये तो पता है कि ऋतिक इतने अच्छे एक्टर हैं बहुत अच्छे डांसर हैं आपको एक और कहानी मैं बताता हूँ वैसे पता ही होगा इन्होंने इनको गाने का बहुत शौक है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक भाई ने एक बड़ा खूबसूरत सा गाना भी गाया था जो कि हम सब सुनना चाहते हैं ओहो क्या कौन सा गाना यार अच्छा एक काम करते हैं उस गाने में उसमें इन्होंने हिंदी में गाया था और साथ में स्पेनिश स्पेनिश में तो मैं स्पेनिश में गाता हूँ चलिए ठीक है ओके बहुत मजेदार था अच्छा टैलेंट का भंडार यही खत्म नहीं हो रहा नाउ यू विल सी मिस्टर आशुतोष गोवारिकर आशु सर फिल्मों में आप बड़े बड़े स्टार से काम निकलवाते हो ना ही आपको किसी को कहने की हिम्मत होती कि आज सर हमें ये करके दिखाइए तो हमने थोड़ी कर ली है तो सर आपका टैलेंट हमें पता है बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं सर कपिल सच कहती हूँ मैं ना बचपन से बहुत एक्टिंग करती हूँ बहुत मैं ना मैं एक्चुअली मैं इतनी एक्टिंग की है मैंने लेकिन जब मैं यहाँ पे आपके शो में आई हूँ तो थोड़ा दिल मचल रहा है अच्छा सर हमें किसी ने बताया अभी सर ने मेरे को बताया था कहते भैया ना हिंदी गाने को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बड़ा अच्छा गा लेते हैं नहीं वो तो एक ऐसे ही सुनाइए ना सर मजा आएगा थोड़ा माइंड ब्लोइंग आपने मेला लूट लिया सर माइंड ब्लोइंग क्यों हमारे आर्टिस्ट छुट्टी पे वो भी आके दिहाड़ी डाल गए सर मेरे को भी दिल कर रहा है हिंदी गाना इंग्लिश में गा रहे ऋतिक जी जी आशु जी पूजा की नहीं पूजा जी हम पूछ रहे हैं उनसे पूजा की कि नहीं की पहला हिंदी पिक्चर आ रहा है कहना तो पूजा जी हमको रिंकू देवी कहते हैं ऐसे लोग हमको भाभी कहते हैं उनको सिक्सर सिद्धू कहते हैं बेड को बिस्तर कहते हैं बहन को सिस्टर कहते हैं और जो 17-17 दिन हमारे घर नहीं आते उनको हमारे मिस्टर कहते हैं तो ऐसा मुंह होएगा तो हस्बैंड क्यों आएगा घर पे वो तो फिर भैया दूज पे ही आएगा ना ये किसका मुर्गा मार के उसके पंख लगा के आ गई हो नहीं आप बहुत सुंदर दिख रहे हो क्यों आशु जी हमको ले लेते फिल्म में हीरोइन हमको नहीं लिया ऐसा क्या हो गया सीरियसली वैसे आपको आप अगर पहले मिली होती तो जरूर मैं आपको लेता पहले मिले थे लेकिन उस दिन जेंट्स थे हम भाई जान तो आपको नजर नहीं आया अच्छा एक पिक्चर बनाया लगान जी उसमें एक ही क्रिकेट मैच किया गांव जिता दिया गांव छुड़वा दिया जी। 5 मैच का टूर्नामेंट होता ना तो देश आजाद हो जाता ऐसा करना चाहिए था अच्छा है पार्ट 2 में करेंगे लगान पार्ट 2 रिंकू भाभी आप परेशान कर रही हैं आपको पता मुझे सिटी केबल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करना उनके साथ के भैल करोड़पति आप फालतू में परेशान कर रही हैं उनको उसी में तो हम एक्सपर्ट बनने के लिए आए हैं परेशान किया शुरू करो जल्दी करो हमको भी अपने हस्बैंड का जाके पजामा धोना है बाद में चलिए दोस्तों सिटी केबल पे मैं आपका घत्रुगन सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ खेला शुरू करते कै भैल करोड़पति और हमारे साथ खेला खेले के खातिर हॉट सीट पे है बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋतिक रोशन और डायरेक्टर आशुतोष गवारिकर खेला की मेन एक्सपर्ट है पूजा हेगड़े और फालतू की एक्सपर्ट है रिंकू भाभी तो खेला शुरू करने से पहले खेल के रूल बता दूं खेल के बीच में कोई जूते नहीं उतारेगा और हमारे गेस्ट के खेल में हेल्प करने के लिए 8-10 लाइफलाइन है आपको जरूरत पड़ेगी और मंगा लेंगे तो खेला शुरू करते हैं हमारे लिए क्या है एक बात कान खोल के सुन लो आओ क्या और हम सिर थोड़ी खोल के सुनेंगे क्या है कान खोल के सुन लो बकवास अगर हमारे अलावा तुमने बकवास की हाँ। ऐसे ऐसे करूंगा तुम्हारे कान के पास आके गुदगुदी होगा नहीं करवाएंगे ऐसे ऐसे क्यों करवाएंगे
तो पहला सवाल 1,00,000 रुपए के लिए ऋतिक रोशन के लिए, जिन्होंने अभी अभी ताजा ताजा मोहन जोदारो में पूजा को किस किया है। तो पहला सवाल आपसे ये है, किस करने के लिए क्या जरूरी है? इंग्लिश में बता देता हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द चुंबन। और आपके ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है, ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी मौका, या फिर ऑप्शन डी पॉलिटिकल प्रेशर। ए गत्रुगन, इसमें सही ऑप्शन तो है ही नहीं, तबेला। तेरी भैंस का गोबर। तबेला पूछोगे नहीं, सही ऑप्शन क्यों है? किस लिए? क्योंकि जो हमारे हस्बैंड है हमको तबेला में बुला के ही किस करते हैं, तो ऑप्शन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तेरी बहन का भतीजा। हाँ, क्या जवाब? क्या जी, आपको क्या लगता है किस करने के लिए क्या जरूरी, अंधेरा, नियत, मौका या पॉलिटिकल प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं, डायरेक्टोरियल प्रेशर। डिप्लोमेटिक आंसर। दिस डायरेक्टर प्रेशर। या डायरेक्टोरियल प्रेशर। लेकिन मैं फिर भी अपने एक्सपर्ट की राय लेना चाहूंगा, मिस पूजा। आप बताइए, फिर आपके जवाब के हिसाब से मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। प्रोड्यूसर प्रेशर, प्रोड्यूसर प्रेशर, इधर डायरेक्टर प्रेशर, ऑल बैलेंस्ड। प्रोड्यूसर प्रेशर। तो इन दोनों के जवाब से ये मुखलात निकलती है कि जवानी का कोई प्रेशर नहीं। अगला सवाल मिस्टर आशुतोष गोवारीकर के लिए, पूरे 5,00,000 रुपए के लिए। हिस्ट्री का सवाल है जी, सोच समझ के बताइएगा जी, कि जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे में डे कितना फ्राई होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 किलो, ऑप्शन बी 2 किलो, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी इतना। I think मैं फोन ऑफ फ्रेंड लूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, फोन, आप फोन यहाँ पे है। फोन ऑफ फ्रेंड, आप सिर्फ हमारे फ्रेंड को फोन कर सकते हैं। ओके, बिकॉज हमारे पास 1 सेकेंड। पिंटू, कॉल मी बैक। पिंटू, अच्छा पिंटू, पिन 1 कहाँ है? ये सवाल का जवाब पूछना है कि फ्राइडे में डे कितना फ्राई होता है, कहता बेहुदा सवाल, बदतमीज। इस सवाल को यही रफा दफा करते हैं। अगला सवाल पूरे 50,00,000 रुपए के लिए पूजा से। अरे लेकिन ये तो एक्सपर्ट है, इनसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन सुंदर तो है। बोलिए। पूजा, आपका सवाल ये है कि इफ दिस इज दिस एंड व्हाट इज दिस, देन व्हाट इज दिस? ऑप्शंस तो दीजिए। मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूँ, हाँ। अपने दर्शकों को भी, मतलब ये कि अगर वो है और क्या क्या है तो वो क्या है? Fantastic. ये है, क्या क्या है तो ये क्या है? If this is this, then what is this? That this is what is happening? I am also trying to figure out what is happening. No, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए this is this, ऑप्शन बी this is that, ऑप्शन सी this is it, या फिर ऑप्शन डी this is yeah. Superb. बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। आई थिंक कि आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड। यू कैन टेक माय नंबर, यू कैन कॉल मी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में मैं एक श्लोक पढ़ूंगा और आपको उसका मतलब बताना है। श्लोक है यवनम धननम संपदनम प्रधरतनम। यवनम धननम। ये कौन? बदतमीज के बच्चे, नहीं मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, कौन पढ़ेगा?
आप दोनों से एक सवाल। जी सिद्धू जी, मैं कहां से? किनके हैं? इनके, हमारे या आपके? सवाल का जवाब, सवाल का जवाब देखिए। ये सवाल है कितने रुपया का? इसका रुपया कोई नहीं मिलेगा, लेकिन देश का मीडिया आपका आभारी रहेगा। अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। गरम गरम तवे पे बैठने से किस तरह की आवाज आती है? इस ऑप्शन बी आए, ऑप्शन सी उई मा, या ऑप्शन डी हाय मैं जल गई। सुपर है यार, चुनना पड़ेगा, मुझे तो सब अच्छे लगे। You're liking our option. I'm liking the way you do it. Lovely. You want me to put my bum on tawa? I want real reaction. My bum will become burger. Sometimes I always laugh on my joke. इस सवाल के जवाब की सत्यता की जांच करेंगे, गरम तवा लेके आ जाए। बैठिए। हम पहले कभी गरम तवा पे बैठे नहीं हैं। हमको एक्सपीरियंस नहीं है, अब जैसा आएगा वैसा आएगा। कोई चक्कर नहीं है। एक्सपर्ट तो हम ही हैं, क्या करें, हमको बैठना ही होगा। एक्सपर्ट नहीं बैठेगा तो और कौन बैठेगा? सीधे जवाब का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता चल गया कि बाकी का प्रोग्राम रिंकू भाभी खड़े होके। तो बहुत ज्यादा गर्म है। अगला सवाल जमीन और मोहन जदारा से जुड़ा हुआ। ऋतिक जी, सवाल हमारा आपसे है, ये बताइए कि 1 मिनट में कितने घड़े बनते हैं? आपके ऑप्शन है ए, जितने मेरे मुंह में दांत। ऑप्शन बी, जितनी लड़कियां सिद्धू जी के पीछे बैठी हैं। ऑप्शन सी, जितने आसमान में तारे। ऑप्शन डी, जितने सवाल के ऑप्शन, आई डोंट नो। अरे इसमें क्या है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, और साड़ी पहनने वाले को बनारसी किया। हम अभी बना के दिखा देते हैं। तो रिंकू भाभी हमें बताएंगे कि 1 मिनट में कितने घड़े बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो में इतना बड़ा हीरो का रोल किया है, वो हमारा साथ दे। आ जाए फिर घड़ा बना, जल्दी जल्दी बन जाएगा, बना बहुत टाइम लग जाता let's, है। let's do it. हम घड़ा बनाएंगे। आप आइए, हमारे पापा से सीख क्या है, आइए। बाबा जी के आइए आइए साथ बैठू। बैठिए। ऋतिक रोशन घड़े बना रहे। अब एक घड़े भैंस की पॉट्टी बना के चली गई। तो इसी के साथ जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा करता हूं ऋतिक रोशन, आशुतोष और पूजा का। सिटी केवल आपसे समाप्ति की घोषणा करता है, जोरदार तालियां। एक बार ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारीकर एंड पूजा के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। What's up, Jadu? Oh, I'm good. What's up, man? You got a little fat. I've spent a long time. Yeah, man. What happened to the weight and stuff? Yeah. Where's your hair, man? Well, there, it's back. Kamala, yaar, Jadu, tum to bolne lage. Haan to, maine seekha na. 10 din mein Hindi seekhe. Ye app maine upload kiya. Upload nahi hota, download. Nahi, wo aap log ke liye hota hai. Main app mein rehta hu na, to main upload karta hu. Wise aapne mera naam kya liya? Jadu. Nahi, nahi, nahi. वो मेरा असली नाम नहीं है सर। हेलो 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 हेलो, जादू इज नॉट माय रियल नेम। वो तो इन्होंने मुझे नाम दिया था, मेरा असली नाम है ये क्या नाम हुआ? ये क्या नाम है? नहीं नहीं, ये वाला मेरी चाची का नाम है, मेरा नाम है
ये नाम है कि कॉन्स्टिपेशन है? आपके प्लेनेट पे हो जाता होगा, बट श्रीदिक थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने ग्रह पे पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने ग्रह पे पहुंचने के बाद ना एक्चुअली बिकम अ स्टार, सेलिब्रिटी हो गया हूँ मैं। सेलिब्रिटी नहीं हो गए, मोटे हो गए तुम। जादू इतने से थे तुम, इतने बड़े भी हो गए, मोटे भी हो गए। अरे उसका तो एक कारण है ना, यहाँ मैं अपने समर वेकेशन के लिए आया हूँ इस प्लेनेट पे, और यहाँ पे धूप खा खा के मोटा हो गया हूँ। नहीं आपने देखा होगा आजकल बाहर आपको धूप दिखाई देती है लास्ट फ्यू मंथ्स? नहीं ना, सारी मैंने खाई है। वैसे मैं एक हेल्प चाह रहा था छोटी सी। मेरे प्लेनेट पे मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो आप वो अपना वो प्यारा वाला वो जो वो तू है वाला स्टेप अगर मुझे सिखा दें तो रोमांटिक वन। चल सिखाएंगे ना? ऑलराइट कम। थैंक यू। अब आपने सीख लिया। मैंने सीख लिया, अब मैं अपने घर पे जाके रोमांस कर पाऊंगा। Go for it, जादू, go for it. All right, see you, buddy. Okay, रहने दो। कभी हमारे प्लेनेट पे भी आके शो करो ना। अरे चल दफा, हट। कैसा आदमी है? Thank you. रितिक भाई, पूजा, आशु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और हमें बहुत मजा आया, और उम्मीद है आप सबने भी मजा किया होगा। Absolutely. और सर हमारे शो में हम लोग एक गिफ्ट हमारे अपने गेस्ट को किसी ना किसी को जरूर देते हैं, पर आज जिन्होंने दिल खोल के आपके बारे में बोला भी और अपनी मन की इच्छाएं जो हैं वो जाहिर की, आप प्लीज आप मंच पे आए। आप सब लोग ऐसे ही अपने अपने घरों में खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.